हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू 10 लाइन स्टॉक्स। देखिए आज निफ्टी ने फिर से एक नई ऊंचाई छुई है, एक नए मुकाम हासिल किए हैं। 15,660 तक के लेवल्स को टच किया है निफ्टी ने। जैसे कि हमने कल निफ्टी टुमारो उसकी वीडियो में डिस्कस किया था कि इस लेवल पे आने के बाद में कुछ थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही आज देखने को मिला निफ्टी के अंदर। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखिए आज की वीडियो को इंतजार कीजिएगा। निफ्टी टुमारोज में रात को 8:30 बजे मैं वो वीडियो डालूंगा। कल कैसा निफ्टी रहने वाला है, ओवरऑल क्या मार्केट का मूड है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो के अंदर देखिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरकारी बैंक के बारे में, जिसने आज नया 52 वीक हाई लगाया है 435 रुपए का। स्टिल नया 52 वीक हाई लगा रहा है, रोज यहां पर रिकॉर्ड बन रहे। अगर आप बात करें बीते 40-45 दिन की, तो यहां पर ये स्टॉक देखिए 350 के लेवल से 450 के लेवल्स पर पहुंच गया है। अभी भी मार्केट के बड़े बड़े रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स इसके अंदर बहुत बड़े टारगेट्स दे रहे हैं, तो सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाऊंगा। फिलहाल एक बहुत अच्छा पैटर्न यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं हमेशा आपको दिखाता भी हूं कि देखिए जो स्टॉक बहुत अच्छे और पोटेंशियल वाले स्टॉक्स हैं उसके अंदर अगर कभी गैप अप ओपनिंग होती है सीरीज में, तो आप देखिए वो गैप हमेशा कभी ना कभी भरने की कोशिश करता है। यहां आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं 5th February 2021 को जब इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी, क्योंकि हम लोग डेली चार्ट्स पर देख रहे हैं, तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी 353 रुपए 354 रुपए के आसपास की थी, और अगले दिन जब ये ओपन हुआ तो 386 रुपए के ऊपर ओपन हुआ था। बहुत बड़ी गैप अप यहां पर ओपनिंग थी। और उसके बाद देखिए होता क्या है, जनरली मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी गैप आता है कभी भी सीरीज के अंदर, तो वो कभी ना कभी आगे चल के पूरा जरूर होता है। और देखिए यहां पर हमने वही चीज देखने की कोशिश करी, इस गैप को फिल किया टाइम ने, और ये स्टॉक जो है अपने 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया लगभग 350 के लेवल्स पर। तो ये एक पैटर्न डेवलप किया इसने, बहुत अच्छा पैटर्न था, बेस बनाया, यहां से ऊपर की तरफ चल दिया है वापस से, और 432 रुपए के लेवल 435 रुपए के लेवल्स पर इस वक्त टिका हुआ है। बहुत ही अच्छा और एक बुलिश पैटर्न के साथ में यहां पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है SBI का स्टॉक। अगर आप कोई भी पोजिशन इसके अंदर होल्ड करते हैं, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगा कि पार्शियली जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन पूरी क्वांटिटी को मत सेल कीजिएगा। अभी नियर फ्यूचर में ये आपको 500 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। हालांकि कुछ बड़ी रिसर्च फर्म्स क्या कह रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस आर्टिकल में देखिए, द गवर्नमेंट ओन बैंक इन द लास्ट वन वीक हैड टच्ड न्यू 52 वीक हाईज फॉर 3 times इंक्लूडिंग टूडे। इट्स प्रीवियस हाई वॉज 433.60 ऑन 20th May 2021। पिछले एक हफ्ते में लगभग 3 बार नए 52 वीक हाई बना चुका है। इतना हैवी मोमेंटम है, यानी कि मार्केट जो है देखिए बहुत बुलिश है SBI को लेके। SBI ऑन May 21, 2021 हैड रिपोर्टेड ए जंप ऑफ 80% इन इट्स प्रॉफिट टू 6,451 crores इन द 4th quarter ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 एज अगेंस्ट 3,551 crores फॉर द सेम पीरियड अ ईयर अगो। 3,551 से 6,451 करोड़ का प्रॉफिट, तकरीबन 80% का यहां पर जंप देखने को मिला वाई ऑन वाई के बेसिस पर। यही वो देखिए बेसिकली बेस है जो उसके अंदर मोमेंटम क्रिएट करके अभी तक रखा हुआ है। व्हाइल द बैंक आल्सो फर्दर शोड सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन द एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी के अंदर भी यहां पर सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, amid a sharp rally in the market price, the PSU public sector unit bank's market capitalization grew and is now just 4% away from the momentous 4 trillion mark. 4 trillion 4 lakh crore se sirf 4% dur hai yahan par, and at around 3 pm the stock was over up to 2% 433 with a market capitalization of 3.85 trillion. आज की बात हो रही है यहां पर, आज तकरीबन 3 बजे 3,85,000 crore की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि देखिए बहुत कम फासला रह गया है 4 लाख करोड़ के मार्क को पार करने के लिए। अब द मेजोरिटी ऑफ ब्रोकरेज सच एस JP Morgan, CLSA एंड गोल्डमैन सैक्स हैव मेंटेन ए बाय रेटिंग ऑन SBI विद अ टारगेट ऑफ प्राइस अप टू ₹650 पर शेयर। ये 3 कंपनीज जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं एंड रिसर्च फर्म्स भी हैं, इन्होंने ₹650 पर शेयर का टारगेट दिया है SBI को। ये आपको ध्यान रखना चाहिए और यही वो मेन रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से देखिए आपको अपने स्टॉक में अभी भी SBI को होल्ड करके चलना चाहिए। CLSA sees विजिबिलिटी ऑफ 15% ROE विच इज एट इट्स हाइएस्ट सो फार
एंड टर्म्स इट एज बेस्ट इन क्लास स्टॉक विद एट PSU प्राइस। तो देखिए यहां पर सिंपल सी चीज है, जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जनरली PSU सेक्टर की जो कंपनीज होती है उनका कम होता है, लेकिन यहां पर 15% की विजिबिलिटी CLSA को दिखाई दे रही है जो कि इस सेक्टर में अब तक की हाईएस्ट होगी और ये SBI अटेन करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। व्हाइल गोल्डमैन सैक SBI हैड रिपोर्टेड अ डेकेड बेस्ट एसेट क्वालिटी एंड इंप्रूवमेंट इन ROA रिटर्न ऑन एसेट्स ऑन एक्सपेंडिंग रिटेल पोर्टफोलियो। ये पॉइंट था देखिए जो यहां पर मुझे क्लिक किया कि गोल्डमैन सैक का ये कहना है कि SBI ने एक दशक की सबसे बेस्ट एसेट क्वालिटी यहां पर बेसिकली मेंटेन करके दिखाई है और रिटर्न ऑन एसेट जो है वो भी यहां पर काफी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है ऑन एक्सपेंडिंग ऑफ रिटेल पोर्टफोलियो। रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर जो इन्होंने अब अपनी बेसिकली तेजी बनाई है और रिटेल कस्टमर्स तक ज्यादा अप्रोच ये लोग करने लगे हैं अपने पूरे सिस्टम के द्वारा, वहां से इनकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपको अपने स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस स्टॉक को फर्दर भी रखना चाहिए। देखिए अभी हमने बात करी थी डेली चार्ट्स के ऊपर, अब मैं आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर SBI में आप स्टिल पोजीशंस लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कोई बुरे लेवल्स नहीं है ये, क्योंकि यहां से मोमेंटम को देखते हुए अभी भी फर्दर रैली आ सकती है। अब देखिए अगर इतने ज्यादा पॉजिटिविटी है तो क्या आप ये मान सकते हैं कि SBI कभी वापस से नीचे आएगा या SBI के अंदर आप कोई डाउनसाइड देख सकते हैं? देखिए मार्केट हर पल चेंज होता है, मार्केट आपके मेरे या किसी और के हिसाब से नहीं चलता या किसी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट के अंदर कब कोई बड़ी गिरावट आए और उस बड़ी गिरावट में जो लार्ज कैप्स हैं वो भी गिरने लगे या ना गिरने लगे, इसकी प्रिडिक्शन पहले से करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई क्वालिटी स्टॉक आप चुन रहे हैं और आपको पता है कि स्टॉक में मोमेंटम है और यहां से भी अगर मैं बाय करता हूं तो नियर फ्यूचर में मुझे यहां से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, तो डेफिनेटली आपको वहां से बाइंग करनी चाहिए। लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद या दो महीने बाद, जिसमें बेसिकली गिरावट आ जाए, काफी अच्छी गिरावट आ जाए, मतलब 800 से 1000 पॉइंट निफ्टी 2 से 3 दिन के अंदर गिरता हुआ आपको दिखाई दे, तब उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको बेसिकली अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक शार्प विजन रखना होगा और बेसिकली जब भी ऐसी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे मार्केट में तब आप वहां से अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइक्लिकल पीरियोडिकल जो गिरावट आती है वहां से आपको और बाइंग की अपॉर्चुनिटी बेसिकली मार्केट देता है, और बाइंग करके लोअर एवरेज बनाया कीजिए और बेसिकली अपने ओवरऑल वेल्थ को ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर और भी ज्यादा मौके ढूंढने चाहिए कि वहां से आप बेसिकली प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये कहना कि 432 पर पहुंच गया यहां से सीधे 500 पे पहुंचेगा उसके बाद आगे 650 पे पहुंचेगा जैसे CLSA JP Morgan और गोल्डन सैक्स ने कहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट अगर नीचे आता है तो डेफिनेट सी बात है ये हैवी वेट स्टॉक जो होते हैं जो निफ्टी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज्यादा वो भी नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जो कंफ्यूजन है, जो सवाल लोग पूछते हैं कि सर ये तो नीचे आ गया और हमने तो प्रिडिक्शन करी थी कि ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे जाएगा, तो वहां पर देखिए उन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाने की जरूरत है और सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर आपको एक परसेप्शन क्लियर करना है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एज ए ट्रेडर आ रहे हैं या एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल व्यू है मेरा जिसमें SBI के अंदर डेफिनेटली आप यहां से पोजिशन बना सकते हैं और इसके अंदर जो नियर टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 500 रुपए के हो सकते हैं, यानी कि आप इन पोजिशन से भी डेफिनेटली अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो यहां से भी बाय करें 500 रुपए तक के टारगेट के लिए। अगर आप बेसिकली बात करें कि इसके स्टॉप लॉस की, तो मैं समझता हूं कि स्टॉप लॉस आपको 400 रुपए के ऊपर लगा के रखना चाहिए, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से आपको काम करते हुए दिखाई देगा। तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस से बाय एंड 500 रुपीज का टारगेट आपको नेक्स्ट 1 मंथ में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।